हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो मेरी बाकी वीडियो से थोड़ी अलग होने वाली है बिकॉज इसमें मैं आपको कैट की टिप्स नहीं देने वाली हूँ, उसकी कोई स्ट्रैटेजी शेयर करने वाली नहीं हूँ। बार नेटिव मुंबई ने ये सोचा कि चलो भैया हम सबको बुक्स भेजते हैं, हम पढ़े चाहे नहीं पढ़े वो सेकेंडरी है, बट प्राइमरी ये है कि हमें बुक मिलनी चाहिए, है कि नहीं। सो नेटिव मुंबई ने हम लोगों को इस बार भेजा है बुक्स। एक्चुअली मैं ये सेकेंड लॉट की अनबॉक्सिंग करूंगी, फर्स्ट लॉट की बुक्स भी हमें आए थे। हमारा फर्स्ट मॉड्यूल कंप्लीट हो चुका है, अभी हमारा सेकेंड मॉड्यूल चल रहा है। सो मैं बुक्स उसके भी शेयर कर दूंगी जो भी उन्होंने फर्स्ट मॉड्यूल में हमें शेयर किए थे। विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स क्विकली गेट डन विद अनबॉक्सिंग। भारी भरकम बुक्स दिख रहे हैं। आई डोंट नो मैं पढ़ूंगी भी या नहीं, ऑब्वियसली पढ़ना पड़ेगा बिकॉज वी डोंट हैव एनी सेकेंड चॉइस। जो फर्स्ट बुक है हमारी वो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फॉर इंजीनियरिंग बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी, ये कुछ ऐसी है। सेकेंड मॉड्यूल में भी हमारी ये सब्जेक्ट नहीं है, आई गेस थर्ड मॉड्यूल में होगा। बेसिकली नेटिव मुंबई इज मेकअप ऑफ सप्लाई चेन एंड ऑपरेशंस, तो इसमें मोस्टली आपको जो बुक्स होंगे वो थोड़े से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड ऑपरेशंस एंड सप्लाई चेन से रिलेटेड ही ज़्यादा मिलेंगे। इवन दो फर्स्ट मॉड्यूल ऑलमोस्ट सारे कॉलेजेस के सेम होते हैं, बट देयर आर वन और टू सब्जेक्ट्स विच इज कोर रिलेटेड टू आर सप्लाई चेन एंड ऑपरेशंस ऑल्सो। सो सबसे पहली बुक है हमारी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, उसके बाद सेकेंड बुक इज ऑपरेशंस रिसर्च। ऑपरेशन इज वन ऑफ द कोर यू नो कोर सब्जेक्ट विच वी आर गोइंग टू रीड आई गेस इन एवरी मॉड्यूल। जो मैकेनिकल ब्रांच के होंगे या फिर किसी ने प्लांट में काम किया होगा, दे नो अबाउट वॉट ऑपरेशन एक्चुअली इज। इसके बारे में मैं आगे भी वीडियो बनाऊंगी कि एक्चुअली ऑपरेशन एंड सप्लाई चेन क्या होता है, बिकॉज बहुत लोगों के दिमाग में डाउट होता है कि ये क्या है, या फिर मेरे दिमाग में भी था, इसलिए मैं आप सबसे शेयर करूंगी कि ये क्या है। सो आर सेकेंड बुक इज ऑपरेशन रिस्क। तो जो नेक्स्ट बुक है हमारी वो है मार्केटिंग मैनेजमेंट पियर्सन से। केस स्टडी किसी भी बी स्कूल का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बिकॉज आपको केस स्टडी सॉल्व करना आना ही चाहिए, एंड इंटरव्यूज में भी आपसे केस स्टडीज पूछे जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी टॉप कंपनीज अपनी केस स्टडीज करवाती है, कॉम्पिटिशन करवाती है, एंड उसके बेसिस पे आपको प्री प्लेसमेंट इंटरव्यू का भी मौका मिलता है और कैश प्राइज तो बहुत ही अमेजिंग होता है। तो ये केस स्टडी है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आई गेस, एंड जब आप नेक्स्ट ईयर आओगे एमबीए करने के लिए यू नो हाउ इम्पॉर्टेंट केस स्टडी इज, और आपको सॉल्व करना वो आना ही चाहिए। इसके बारे में भी मैं एक वीडियो बना दूंगी कि जब भी हम बी स्कूल आते हैं तो हमें किन चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए स्टार्टिंग से, और मैंने क्या छोटी मोटी गलतियाँ की है वो आप नहीं कर पाओ। नेक्स्ट बुक वी हैव इज मार्केटिंग मैनेजमेंट बाई कॉटलर। मार्केटिंग बुक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पूरा तो नहीं पता होना चाहिए बट एटलीस्ट बेसिक्स पता होने चाहिए किसी भी आप किसी भी ब्रांच से एमबीए कर। एंड मार्केटिंग के लिए जो बेस्ट बुक बोली जाती है एंड मोस्टली बी स्कूल्स में जो फॉलो की जाती है वो कॉटलर की ही होती है, एंड ट्रस्ट मी गाइस ये बहुत ही अच्छी बुक है। अभी तो मैंने इसको ऑनलाइन ही पढ़ाया बिकॉज तभी ये बुक आई नहीं थी जब फर्स्ट मॉड्यूल में हमारा मार्केटिंग मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट था, बट आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू रीड इट। एंड इसकी क्वालिटी इज अगेन अमेजिंग, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है बुक की, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के बुक भेजे हैं नितिन ने। एज एक्सपेक्टेड बी स्कूल में कौन ही घटिया क्वालिटी भेजेगा, राइट। तो लास्ट बुक है हमारी वो है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ये सारी चीज़ें भी हम लोगों को पढ़नी होती है एमबीए में, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, बिजनेस कम्युनिकेशन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक कि कॉर्पोरेट में आप अपने थॉट्स कैसे पुट अक्रॉस करते हो, आप कॉर्पोरेट में काम करने चाहोगे, आपको बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी मिलेगी, आप दूसरे के थिंकिंग को, दूसरे के यू नो ओपिनियंस को कैसे लेते हो इवन दो यू आर नॉट अग्रीइंग विद इट। सो ये सारी बुक्स आपको उसके बारे में बहुत ही अच्छे से बताता है व्हाट शुड बी योर बिहेवियर इन ऑर्गेनाइजेशन, इट इज प्रिटी ऑब्वियस बाय द नेम ओनली। तो ये सारी टोटल 5 बुक्स नेटिव मुंबई ने हम लोगों को सेकेंड लॉट में भेजी थी। फर्स्ट लॉट में भी जो बुक्स भेजे थे मैं आपसे शेयर कर देती हूँ, मैं उसकी अनबॉक्सिंग तो नहीं कर पाऊंगी बट यस डेफिनेटली आई विल शेयर कि उन्होंने क्या क्या बुक्स हम लोगों को भेजे थे।
सो ये है फर्स्ट थॉट का बुक, आप देख लो ये कितना बड़ा है एंड यू वोंट बिलीव ये बहुत हैवी भी है। आई वाज लाइक सीरियसली, मतलब ये बुक्स देख के वापस से मुझे मेरे इंजीनियरिंग के दिन याद आ गए थे जब भी मैंने देखा था इसको, बिकॉज इंजीनियरिंग के बाद मैं जॉब करती थी, मैंने मेरा वर्क एक्स था, सो मैंने बहुत लाइक बहुत टाइम के बाद इतने ऐसे हैवी हैवी बुक्स एंड ये सारी चीज़ें देखी, आई वॉज कम्प्लीटली लाइक ओ माई गॉड। ओके सो इसको भी अनबॉक्सिंग करते हैं। ये हम लोगों को अगेन पैकेट कार्टन में रिसीव हुआ था एंड ये उससे कम से कम 3 गुना ज़्यादा हैवी था। सो सबसे पहले जो इसमें यू निकालूंगी, फर्स्ट बुक इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये हमारे अभी सेकंड मॉड्यूल में सब्जेक्ट है। तो जो बेसिक सब्जेक्ट्स है सारे स्ट्रीम के, आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। इट्स जस्ट लाइक इंजीनियरिंग कि जो हमारा फर्स्ट सेम और सेकंड सेम होता है उसमें सबके कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं, एटलीस्ट यू शुड हैव आइडिया अबाउट वॉट अदर यू नो स्ट्रीम और ब्रांचेस के क्या क्या होते हैं चीज़ें। सो आपको सब चीज़ की बेसिक आइडिया तो होनी ही चाहिए। फाइनेंस से बहुत ही ज़्यादा डर लगता है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे फाइनेंस का एफ भी नहीं आता, बट जब आप पढ़ते हो तो आपको सबको समझ आ जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप पढ़ सकते हो आराम से, ऐसा डरना नहीं। कुछ भी ऐसे सब्जेक्ट आ जाए जो आपको नहीं पता है, आप पढ़ लोगे आराम से, बहुत ही आराम से पढ़ लोगे। जब मैं कर सकती हूँ आप भी कर सकते हो, इट्स वेरी सिंपल। सेकेंड बुक इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, देख लो कितनी मोटी बुक है, देख लो देख लो, मतलब मेरे से उठाई नहीं जा रही है, मैं पढ़ूंगी क्या। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप सबको ही पता होगा क्या है, इसके बारे में भी ये हमारे सेकंड मॉड्यूल में सब्जेक्ट है और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसका मैंने थोड़ा बहुत ऑनलाइन ही पढ़ा है, बट ये बुक काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू रीड इट। नाउ द थर्ड बुक इज स्टैटिस्टिक्स फॉर बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स। सो ही मैंने ये बुक खोला, मुझे मेरे सिविल के दिन याद आ गए, उसमें हमारी जो चार्ट होती थी, जो स्टील एक हमारा सब्जेक्ट था, उसमें जैसी जैसी चीज़ें होती थी, बहुत सारे वैल्यूज होते थे डिस्ट्रीब्यूशन के, वो सारी चीज़ें से लग रही है मेरे को इसमें एंड थोड़ा सा डर भी लग रहा है, पर कोई नहीं, देखते हैं क्या है। सो आवर नेक्स्ट बुक इज ऑटोमेशन प्रोडक्शन सिस्टम कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग। सो ये बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग की बुक है। आप लेती आई हो तो यू शुड बी वेरी वेल अवेयर अबाउट वॉट मैन्युफैक्चरिंग इज, ऑपरेशन इज, सप्लाई चेन इज। सो ये बुक डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप लेती में आ रहे हो तो, मतलब इट इज़ वन ऑफ द कोर सब्जेक्ट यू कैन से जो आप आगे के यू नो मॉड्यूल्स में भी पढ़ोगे। नाउ आवर नेक्स्ट बुक इज स्ट्रैटेजी प्लानिंग एंड ऑपरेशंस फ्रॉम पियर्सन। तो ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट की बुक है, इट इज़ वन ऑफ आर कोर सब्जेक्ट। अगर सप्लाई चेन और ऑपरेशंस करना है, ट्रस्ट मी गाइस, बीपी से बेस्ट कुछ नहीं है एंड इसके बारे में हम फिर कभी किसी वीडियो में बात करेंगे। ओके, आवर नेक्स्ट बुक इज ऑपरेशंस मैनेजमेंट। सो ये हमारे फर्स्ट मॉड्यूल में सब्जेक्ट था, ये खत्म हो चुका है। बहुत सारे घर घर के न्यूमेरिकल्स होते हैं, आपको बहुत सारा ऐसे न्यूमेरिकल माइंड चाहिए होता है। अगर कोई मैकेनिकल का होगा उसको ऑब्वियसली पहले से थोड़ा बहुत सारे यू नो फॉर्मूलाज एंड एवरीथिंग पता होंगे, बिकॉज ऑपरेशन मैनेजमेंट उनका सब्जेक्ट रह चुका होगा बीटेक में, तो उनके लिए बहुत ही ईजी होगा। सो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है, जिसको न्यूमेरिकल सॉल्व करना अच्छा लगता है डेफिनेटली दे आर गोइंग टू लव दिस सब्जेक्ट। बाकी नहीं भी पसंद आएगा पढ़ना तो पड़ेगा ही। नाउ आर लास्ट बुक इज मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। ओके, सो आपको इसके नाम से लग रहा होगा कि इट इज़ ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स, बट इट इज़ नॉट पर्टिकुलरली अबाउट इकोनॉमिक्स। इसमें आपको मतलब लाइक हाउ यू मैनेज योर इकोनॉमिक्स इसके बारे में बताया गया है। फर्स्ट लॉट में हम लोग को 7 बुक्स मिले थे एंड सेकेंड लॉट में 5 बुक्स मिले, सो 7 + 5 = 12। टोटल 12 बुक्स उन्होंने हमें भेज दिए हैं अभी तक। सो इतने ज़्यादा बुक्स हैं, इनके पीछे तो मैं ही लग गई हूँ। आई डोंट नो मैं इनको कैसे पढ़ने वाली हूँ, बट येस पढ़ना तो पड़ेगा ही, उसके अलावा भी डोंट हैव एनी सेकेंड चॉइस। एंड आपकी लर्निंग कभी ख़त्म नहीं होती है। अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि आप जॉब में जाओगे और वहाँ पे जाओगे तो फिर आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, सब बहुत ईजी हो जाएगा, आई थिंक यू आर मिस्टेकन, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपको आपकी लर्निंग कंटिन्यू करती रहनी पड़ेगी अगर आप राइज करना चाहते हो। स्टैट एग्जाम जस्ट लाइक सिर्फ 1 महीने बाद ही है, आप अपनी प्रिपरेशन करते रहो, अच्छे से तैयारी करते रहो और नेक्स्ट ईयर अपने ड्रीम बी स्कूल में जाओ, मार्क्स देते रहो, उसको एनालाइज करते रहो एंड अभी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पॉजिटिव और मोटिवेटेड रहने की, अपनी तैयारी पर ट्रस्ट रखना, मोटिवेटेड रहना, पॉजिटिव रहना, यू विल किल इट। थैंक यू।